क्या फिर से छाएंगे शाहरुख खान? क्या शाहरुख खान अब टॉलीवुड मूवी की तरफ करने वाले हैं रुख? आखिर कितना बजट है सन की मूवी का? सन की मूवी के लिए क्यों चुना शाहरुख खान को? बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जो हाल में ही पठान मूवी की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद अब एक नई मूवी की तरफ रुख कर चुके हैं। शाहरुख खान जिन्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपनी मूवी में लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन शाहरुख खान बॉलीवुड की मूवी पहले न करते हुए उन्होंने टॉलीवुड के सन की मूवी करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या सन की मूवी बॉलीवुड की रीमेक है या फिर बॉलीवुड के बादशाह टॉलीवुड के रुख कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि इस मूवी में कुछ नया देखने को मिलेगा। शाहरुख खान बस मूवी कर रहे हैं, ना कि टॉलीवुड की तरफ रुख। अगर हम अल्टे कुमार की बात करें तो वो साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर है जिनकी मूवी कभी भी फ्लॉप नहीं हुई, इसलिए साउथ की कोई भी हीरो उनकी मूवी मना नहीं करता, लेकिन वो टॉलीवुड के हीरो के साथ काम नहीं करना चाहते थे। अगर हम अपनी माने तो वो लगातार कई महीनों से सन की स्टोरी पर काम करते रहे हैं जो अब जाकर कंप्लीट हो चुकी है, और वो बॉलीवुड में सबसे पहला फिल्म शाहरुख खान के साथ करना चाहते थे। और जैसे ही मूवी की स्टोरी तैयार हुई वो लॉकडाउन में ही शाहरुख खान से मिलने की कोशिश करने लगे और उनकी स्ट्रगल सक्सेस हुई। स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी टू स्ट्रेंजर लोगों की कहानी है जो एक अनवांटेड सिचुएशन में मिलते हैं, फिर दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर वो लड़का अपने प्यार के लिए फाइट करता है। ये स्टोरी शाहरुख खान को इतनी पसंद आई कि वो मूवी के लिए तुरंत हाँ कर दिए। अगर हम फीमेल लीड रोल की बात करें तो बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के अपोजिट रोल निभा रही हैं, जिसका ट्रेलर हाल में ही रिलीज हुआ था जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। अभी भी इस फिल्म की रिलीजिंग डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अप्रैल में ही रिलीज की जाएगी। तो क्या शाहरुख खान की ये फिल्म भी जाएगी सुपरहिट? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे और सेफ रहे। बाय।